बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर जॉब सिंह के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये आज पेपर हुआ है, वैक्सीनेशन का पेपर है और इसके बेसिक्स का पेपर है। पार्ट टू अपलोड कर लेते हैं। पार्ट वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि द स्केल ऑफ टेम्परेचर इज मेड बाई यूजिंग टू ईजीली ऑबटेन टेम्परेचर का, तो इसको फिक्स पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज हाइट अबाउट द सी लेवल, तो इसको क्या कहा जाता है? अल्टीमीटर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि डिवरिनेटिंग द स्केल इफ़ आई इज नॉट प्लेस्ड डायरेक्टली अपोजिट टू द स्केल देन द मेजरमेंट विल बी इनकोरेक्ट, दिस इज कॉल्ड, इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? 63 में ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है, पैरेलक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि रॉड्स आर लोकेटेड एट द एज ऑफ द रेटना एंड आर सेंसिटिव, तो इसको डिम लाइट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज जो है ये सारा डिम है, तो इसलिए इसके पूरे पेज को भी स्किप कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 से सॉल्व करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई द एग्जिट ऑफ द सरफेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ये भी डिम है इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ, तो ये कॉपर एंड ब्रास इज ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज लोकेटेड टू आयरस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि एयर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इकाई पास्कल है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज की तरफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक हाइट ब्राइट रियलिटिक इमेज ऑफ ए स्लाइड और फिल्म सोर्स ऑफ, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? प्रोजेक्टर आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पीड अप द रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिमाइज्ड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ सफिशेंट नंबर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, इस तो करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, हेर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 82 है ये फॉलोइंग वैक्सीन आर यूज कॉमनली एक्सेप्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आता है इसमें? 82 में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ह्यूमन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये दो एमसीक्यूज हैं, इसकी भी आंसर नहीं मिले हैं तो इसको भी स्किप कर लेते हैं। 83 एंड 84 को, क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एटेंटुएटेड वैक्सीन कैन बी पैथोजेनिक एंड कैन कॉज द डिजीज इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अलाय एंड किल्ड वैक्सीन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी यूजुअली, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि आर आई एस आर ऑबटेन फ्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, तो ह्यूमन, ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एंटी टेटानस टॉक्साइड ATT प्रोड्यूस बाई, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल हेपेटाइटिस डज नॉट हैव एनी वैक्सीन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज 0 to 6 ईयर एक्सेप्ट, तो इसमें कौन सा है करेक्ट आंसर क्या है? डेपैक्सिन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90
वन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डेवलप रैपिड स्पीच थी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सम वायरल वैक्सीन कंटेन प्योरीफाइड वायरल प्रोटीन्स एंड ऑफन कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, the ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized WBCs is known as, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इम्यूनिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ परफॉर्म एंटीबॉडीज इन इंडिविजुअल अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, इसके जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल ग्रुप, तो इसमें स्मॉल पॉक्स जो है ये किस चीज़ के लिए, ये एडल्ट स्मॉल पॉक्स मेडिकल स्टाफ इम्यूनाइजेशन पर्सन, ऑप्शन डी आई थिंक इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन के फॉलोइंग आर कंसीडर फर्स्ट रिस्पॉन्सर एक्सेप्ट, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सर जो होता है ये इमरजेंसी स्टाफ मेन मिलिट्री पर्सन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वैक्सीन आर ऑल्सो इफेक्टिव पोस्ट रिस्पॉन्सर ऑफ दोज वायरसेस, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इंडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वायरल डिजीज, तो ये जो है मम्स मिसलस एंड रुबेला है। क्वेश्चन नंबर 99 है क्या वायरस दैट इज अनएबल टू कॉज डिजीज बट रेटिना रिटेन इट्स इंटेंसिटी एंड कैन इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन इज नाउन एज, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। तो कर दिया था इसका पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।